सीजीआई के बयान से मच गया हड़कंप, मोदी की बढ़ गई है फिर से मुश्किलें। जी हाँ, थंबनेल आपने देखा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि अभी एक दिन पहले ही तो प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ली है और वो देश के ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने नेहरू के बाद तीसरी बार अपने कार्यकाल की शपथ ली है। इससे पहले ये रिकॉर्ड हमारे जो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे देश के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नाम तीन बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड था जिसको मोदी जी वहाँ तक पहुँचे हैं। तो मसला जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा कुछ हुआ है जो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि देश में चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, जो जीतने थे वो जीत चुके हैं, जो हारने थे वो हार चुके हैं और देश में प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तीसरी बार सरकार बन गई है, उनका शपथ ग्रहण भी हो चुका है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से चुनावों के दौरान आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चला, उसके बावजूद विपक्ष मजबूती के साथ उभरा राहुल गांधी के नेतृत्व में। राहुल गांधी ने खुद को साबित किया और विपक्ष के मजबूत एक नेता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में वो निकल कर सामने आए। आपने देखा कि ईडी जो है उसका किस तरीके से उपयोग हुआ चुनावों में, और प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल जो था उसके पहले कितनी बार उठापटक हुई तमाम नेताओं ने ईडी और सीबीआई को लेकर के। कभी उन्होंने सरकार में शामिल होने को हाँ कहा, कभी सरकार में शामिल होने को ना कहा। तो आप लोगों ने ये भी देखा, इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि जो सरकार है वो इस बार एब्सोल्यूट सरकार नहीं है। मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, लेकिन बना ली फिर से क्या मोदी जी की तो पहली बार ही कहेंगे मोदी जी की बनी है पहली बार बैसाखी की सरकार, क्योंकि 400 पार वो नहीं हो पाए हैं, इसलिए बैसाखी की यानी कि गठबंधन की उनकी सरकार बनी है। तो सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त है हमारे पास वो ये है, अभी अभी आप लोगों ने देखा, अभी कुछ दिन पहले देश के सीजीआई श्रीमान डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले ही सीजीआई का कार्यभार संभाला सुप्रीम कोर्ट में, और जब से वो सीजीआई बने देश के, उनका जो कार्य करने का तरीका रहा वो ऐसा रहा कि तमाम लोग उनसे इंस्पायर होते देखे। तमाम जुडिशियल ऑफिसर यानी कि जजेस जो थे, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के हों, चाहे वो अन्य किसी कोर्ट्स के न्यायाधीश हों, उन सब में एक कार्य करने का एक जज्बा अलग से आया। और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने बार बार ये भी कहा कि आप किसी चीज़ का प्रेशर ना लें, आप जस्टिस दें, आप न्याय दें, आप किसी भी चीज़ से प्रेशर में ना आएँ। उसके बाद से लगातार देश में बेहतरीन अदालतों के फैसले आने लगे और सीजीआई साहब के काम की तारीफ भी होने लगी। तो सीजीआई साहब अभी कुछ दिन पहले विदेश घूमने के लिए गए, आप सब लोगों को मालूम है। विदेश में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संबोधन भी दिया अपना, और संबोधन में उन्होंने जो कहा, मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपकी समझ में बेहतर आएगा। उन्होंने जो है वहाँ पर कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार चुनाव है और भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र वाला देश है। न्यायाधीश व्यवस्था की रक्षा करने वाले संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की भावना से काम करते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ की जाने वाली अनुचित आलोचना की बात भी उन्होंने की। और एक सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको कभी राजनीतिक प्रेशर यानी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ा, कि आपके ऊपर कभी पॉलिटिकल प्रेशर आया, तो उन्होंने बड़े साफ होकर के इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 24 साल के मेरे कार्यकाल में मैंने कभी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं किया, मुझे कभी कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं मिला। मैंने अच्छी तरीके से जो भी मैं काम करता हूँ उस काम को मैंने किया बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल प्रेशर कभी मिला ही नहीं। जब उनका स्टेटमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो रहा था, उस वक्त से ही लगातार पूरे देश में और इंटरनेशनल मीडिया में एक बात जो थी वो सुर्खियाँ बन गई, और हमारे देश की भी जो मीडिया है उसने इस चीज़ को हाथों हाथ लिया। तमाम न्यूज़पेपर की बात कहें, न्यूज़ पोर्टल्स की बात कहें, हालांकि जो न्यूज़ चैनल हैं वहाँ भी इसको दिखाया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि उन पर कार्य की अधिकता ज़्यादा होती है और वो चुनावों में ज़्यादा अपनी टीआरपी समझते हैं, इसलिए कभी कभी उनसे ऐसी खबरें छुप जाती हैं। लेकिन अखबारों ने और तमाम लीगल पोर्टल्स ने इस बात को जगह दी। मैं अभी आपको बताता हूँ, ये एक अखबार है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान अखबार ने भी इस बात को छापा है और उन्होंने जो कहा वहाँ पर, और इसका जो सीजीआई साहब का जो स्टेटमेंट था मैं एक बार यहाँ से भी आपको दिखा दूँ। उन्होंने कहा भारत के आम चुनावों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र का मूल आधार है, भारत में न्यायाधीश निर्वाचित नहीं होते। इसका कारण यह है कि न्यायाधीश हालातों और संवैधानिक मूल्यों को सतत बनाए रखने की भावना से प्रदर्शन करते हैं,
प्रदर्शित करते हैं। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, लोकतंत्र में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें हम परंपरा की भावना को प्रदर्शित करते हैं और साथ ही इस भावना को भी प्रदर्शित करते हैं कि एक अच्छे सभ्य समाज का भविष्य कैसा होना चाहिए। सुनाते समय उन्होंने जो जिस राजनीतिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा उसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि न्यायाधीश के रूप में 24 वर्षों के कार्यकाल में मुझे कभी किसी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। अगर हम एक दूसरे जो है न्यूज़ पोर्टल, जो मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य हेडिंग जो है वो सुना देता हूँ कि मुख्य हेडिंग जो है वो क्या रही। तो बार और बेंच जो है एक न्यूज़ पोर्टल है जो लीगल खबरें जो देता है, वहाँ पे उन्होंने लिखा है बार बेंच ने कि नेवर फेस एनी पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम पावर्स दैट बी। तो ये बार बेंच का न्यूज़ है। Rediff.com ने लिखा है कि नेवर फेस्ड पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम पावर लेवर दैट बी, इन्होंने भी सेम यही लिखा है। इसके अलावा पत्रिका न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पत्रिका न्यूज़ ने जो छापा है उन्होंने लिखा है कि 24 सालों से जज हूं, कभी महसूस नहीं किया सरकार से राजनीतिक दबाव। बार बेंच जो है उसका जो हिंदी पोर्टल है उन्होंने लिखा है कि सत्ताधारियों से कभी किसी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं अखबार है दैनिक भास्कर, अखबार ने लिखा है कि सीजीआई को वकीलों का पत्र, मोदी बोले धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है कि मोदी जी ने कहा कि धमकाना जो है वो कांग्रेस की संस्कृति है, थोड़ा ये पॉलिटिकल बात हो गई। तो आपने देखा कि तमाम न्यूज़ पोर्टल्स ने, तमाम पोर्टल्स ने इस बात को हाथों हाथ लिया और सीजीआई का बयान ये दिखाता है कि देश में लोकतंत्र हावी है और लोकतंत्र ही देश में चलता है, राजनीति जो है वो उसकी अपनी अलग जगह है। स्वस्थ लोकतंत्र के जो चार मजबूत स्तंभ हैं उसमें न्यायपालिका का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और सीजीआई साहब का जो स्टेटमेंट है और उन्होंने जो उसमें कहा वो बताता है कि जो चौथा स्तंभ है वो अपना काम निर्बाध रूप से कर रहा है, अच्छे तरीके से वो अपना काम कर रहा है और उस काम को करने के लिए कभी भी उनके ऊपर 24 सालों में किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर को उनके ऊपर नहीं डाला गया है और कभी भी उनसे पॉलिटिकल प्रेशर को लेकर किसी भी नेता, किसी भी पार्टी ने उनसे कुछ भी करने को नहीं कहा गया है, क्योंकि उनका स्पष्ट यहाँ पर ये कहना है कि 24 सालों में मुझे कभी भी किसी भी तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा है। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है और भारत के लिए भी एक अच्छी बात है कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका अपना काम बिना किसी दबाव, बिना किसी प्रेशर के कर रही है। इसके साथ ही मोदी जी का तीसरा कार्यकाल भी शुरू हो चुका है, जो गठबंधन की सरकार है उस कार्यकाल के लिए उनको अग्रिम बधाई शुभकामनाएं। इसके साथ विपक्ष, मजबूत विपक्ष भारत में इस बार बना है और इस बार निश्चित रूप से सरकार की मनमानियों पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी, क्योंकि विपक्ष भी अब बात को उठाएगा और मुद्दों को दमदारी से सदन में रखेगा। तो विपक्ष के लिए भी शुभकामनाएं। आप लोग बन रहे हैं चौधरी लीगल एसोसिएट पर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।